स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शिक्षा साहित्य एवं समाचार पत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था? ये रहे चार ऑप्शंस। इसका सही उत्तर होगा मनुवहन। जी हाँ, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण मनुवहन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये रहे चार ऑप्शंस। उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, आप भी लगातार गेस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये है चार ऑप्शंस। सही उत्तर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य मांडले जेल में लिखी थी। तो किस जेल में लिखा था इन्होंने, मांडले जेल में गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो अरविंद घोष ने लिखा था। ये चार ऑप्शंस है, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें, जी हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है चार ऑप्शंस, इसमें सही उत्तर हो जाएगा के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये सुमेलित नहीं है। बाकी लॉरी कॉलिंग एंड डोमिनिक फ्रीडम एट मिडनाइट लेपियर, ये सुमेलित है। दुर्गादास इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सुमेलित है। अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी सुमेलित है। जबकि के अजीज द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। तो एक ही प्रश्न में आपको कई तरीके से प्रश्न मिल रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की। जी हाँ, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रहे चार ऑप्शंस, इसमें सही उत्तर हो जाएगा रफीक जकारिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ की बात करेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्या है इसको देखते हैं। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो ये रहे चार ऑप्शंस। उत्तर होगा वैलेंटाइन सिरोल। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो ए नेशंस इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रहे चार ऑप्शंस। उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये रहे चार ऑप्शंस, इसमें सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये सुमेलित नहीं है। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये सुमेलित है। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये भी सुमेलित है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया के लिए बहुत स्ट्रगल किया, तो इसे भी याद कर सकते हैं आप। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, ये इन्होंने ही लिखा था, तो ये सुमेलित है। जबकि जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, ये किसकी जीवनी है? तो ये रहे चार ऑप्शंस, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये रहे चार ऑप्शंस, इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा होटोए। जी हाँ, होटे स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक होटे हैं। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ये रहे चार ऑप्शंस। उत्तर फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सुमेलित नहीं है। जबकि एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 13, जी हाँ 13। इसके अलावा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जी हाँ पुस्तक किसने लिखी थी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रहे चार ऑप्शंस। जी हाँ, उत्तर बताइए, आप भी लगातार गेस करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राम मनोहर
लोहिया, आपने भी खूब तैयारी किया है, इसलिए लगातार आप भी गेस्ट करते रहिए। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ये रहे चार ऑप्शंस, देख लीजिए चार ऑप्शंस। इसमें सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, देख लीजिए, इनमें सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को जरूर एक बार पूरा देख लीजिए, शुरू से अंत तक देख लीजिए। जी हाँ, लगातार अभ्यास करते भी रहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। जी हाँ, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ये रहे चार ऑप्शंस, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये रहे चार ऑप्शंस, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाती है? ये रहे चार ऑप्शंस, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ। क्वेश्चन नंबर 20, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की अंकित है, किसमें अंकित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ में अंकित है। क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ, लगातार आप भी गेस्ट करते रहिए। 21, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ये रहे चार ऑप्शंस। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजराती भाषा में। जी हाँ, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः गुजराती भाषा में लिखा है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्न में से किस वर्ष में गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखी? सन बताना है, किस सन में? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर हो जाएगा 1909 में। जी हाँ, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में गुजराती भाषा में की। गांधी जी ने ये पुस्तक इंग्लैंड यानी लंदन से दक्षिणी अफ्रीका केप टाउन समुद्री यात्रा के दौरान लिखी थी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसको ट्रिक में भी याद कर सकते हैं, मैं भारत भारती की पूजा करता हूं, तो मैं से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती के लेखक। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा? ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें सही उत्तर आप बताइए। जी हाँ, जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, लगातार आप भी उत्तर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 26, ये पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? चलो, ये चार ऑप्शन दिया गया, अब बताइए। सही उत्तर होगा E.M. फॉरेस्टर। जी हाँ, लगातार अभ्यास करिए अगर गलत हो रहा है तो। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? ये देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, पढ़ा तो आप बताइए जल्दी। जी हाँ, बिपान चंद्र। क्वेश्चन नंबर 28, इसको तो आप बता ही सकते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? देखो सही बताइए आपने, देखो सही बताया आपने कि श्यामलाल पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, राष्ट्रभक्त गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था? देख लीजिए, ये चार ऑप्शन दिया गया है, देखो सही कहा आपने, प्रदीप द्वारा। जी हाँ, 29 का बी ऑप्शन इसमें सही किया आपने। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। जो जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न, लगातार गेस करते रहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 32, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं?
किसकी पुस्तक है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा भगत सिंह, बिल्कुल सही, बहुत फेमस पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता इनमें से कौन है? ये देख लीजिए चार ऑप्शंस, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे अब। जी हाँ, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? वो कौन सा जेल था? बहुत ही आसान सा सवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में अहमदनगर जेल में लिखी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? ये देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सचेंद्र सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक लिखा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36, जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। माउंट वेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 38, सोच ये वतन पुस्तक के लेखक कौन है? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? ये है चार ऑप्शंस, उत्तर बताइए, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीबी नरसिंहा राव। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवद गीता। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, गुलाम गिरी पुस्तक किसने लिखी थी? ये चार ऑप्शंस हैं, जल्दी बताएं। जी हाँ, ऑप्शंस आपके सामने, उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 42, जी हाँ, भारत में प्रकाशित प्रथम अखबार का नाम क्या था, ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 43, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था, और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये बताना है। ये चार ऑप्शंस हैं, सही उत्तर पंडित जुगल किशोर शुक्ल, देखो सही कहा आपने, वेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने वीआर अंबेडकर को प्रोत्साहित किया था, किसके लिए प्रोत्साहित किया था, ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के हेतु जो है उनको जो है प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47, यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की आलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, ये कथन किसका है, जल्दी बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? बहुत ही सरल प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्लू वेडन वर्न। जी हाँ, बहुत फेमस। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? बहुत ही सरल प्रश्न है, देख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, तो भारतीय समाचार पत्रों पर मुक्तिदाता किसे माना जाता है? ये रहे चार ऑप्शंस, जी हाँ, उत्तर बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, चार्ल्स मेटकॉक।
भारतीय समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के कारण चार्ल्स मेटकाप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, इसको तो बता ही दीजिए, इनमें से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की वकालत की? ये रहे चार ऑप्शंस, जल्दी बताइए। सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 53, पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा था, ये किसकी पुस्तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, और महत्वपूर्ण चीजें हैं इसको क्वेश्चन नंबर। अब बात करेंगे 54 की। वुड्स डिस्पैच किससे संबंध था? तो ये चार ऑप्शन दिया गया, सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से। जो वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित था, वो था शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? सही उत्तर बिल्कुल कहा आपने भगवद गीता, इसलिए आपने बताया क्योंकि इसके पहले तुरंत आपने पढ़ा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, यहाँ से आपको कई प्रश्न मिलेंगे। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी जोगेंद्रनाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक विवरणिका के लेखक कौन थे? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर बताना है आपको। चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ये चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन में सही उत्तर होगा युगांतर। जी हाँ, लगातार आप भी गेस करते रहिए, हम आपको बराबर मौके दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज प्रारंभ किया था? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर कैथरीन मेयो, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, जी हाँ, निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित चुनना है, कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद, ये असुमेलित है। और इसके अलावा नवजीवन एम के गांधी, महात्मा गांधी एम के गांधी, नवजीवन स्वराज डी प्रकाशन और प्रभात एन सी केलकर, ये सुमेलित है। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? ये रहे चार ऑप्शंस, उत्तर क्या होगा? ये तो सही बता दीजिए, मोतीलाल नेहरू। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।